दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था और 11 मई को देश की सुप्रीम अदालत ने इस पर अपना अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने कहा है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत पोस्टेड अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा, ना कि केंद्र सरकार का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शासन करने की असली शक्ति चुनी हुई सरकार के साथ ही रहनी चाहिए। अदालत ने कहा कि जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। अदालत ने कहा कि सेवाओं को लेकर दिल्ली सरकार के पास विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है, दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर, जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पोर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। केजरीवाल ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली के सिस्टम को भी बदलने की बात कही है। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। तो व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं, इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले के बाद कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में आज दिल्ली सरकार से संबंधित शक्तियों को लेकर के जो आदेश आए, मैं उसका स्वागत करता हूं। और एक बार ये बात दोबारा सिद्ध हो गई है कि जो बात निरंतर दिल्लीवासी सरकारों से पूछ रहे थे कि आखिर LG और मुख्यमंत्री की लड़ाई में दिल्ली की जनता पिस क्यों रही। बार बार ये देखा गया, मुख्यमंत्री जी से जब जवाबदेही होती थी तो वो LG कार्यालय और LG साहब से जब पूछा जाता तो मुख्यमंत्री पर आरोप एक दूसरे पे मढ़ा करते थे। अब बिल्कुल तय हो चुका है कि दिल्ली की जो ट्रांसफर पोस्टिंग के मसले हों या दिल्ली से संबंधित विकास की बात हो, सरकार काम करेगी। और मुझे उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल अपनी जिम्मेवारी से अब पल्ला नहीं झाड़ेंगे। साथ ही साथ भाजपा की वो नीति, भाजपा का जो एक तानाशाही रवैया कि प्रदेशों की जो सरकारें हैं उनको कमजोर करना, उनकी शक्तियों को छीनना, उन पर भी शायद ये फैसला अंकुश लगाने का काम। आपका हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो मुख्यमंत्री का अभी मैंने सुना, उनकी बातों से एक बात समझ में आती है कि जिस चीज के लिए वो छटपटा रहे थे वो उनको मिल गया। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में मैं अधिकारियों को ट्रांसफर करूंगा, इसका मतलब आप ट्रांसफर कोस्टिंग को इंडस्ट्री बनाएंगे। अब गुणवत्ता पे काम नहीं होगा, अब पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग पे काम होगा। सरकारी अधिकारियों की गुणवत्ता को नहीं देखा जाएगा, कौन उनको सलाम कर रहा है उस बात पे निर्णय होगा किसको क्या काम देना है। इस पूरे निर्णय में दो चीजें समझने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन, ये केंद्र सरकार के अधीन रहेगी। तो ये वो तीन विषय है जिसपे पूरी दिल्ली की जनता के सारी समस्याएं जुड़ी कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का विशेष प्रकार का दर्जा है और उन्होंने न्यायाधीश अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जताई कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है।